हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। और अगर आप प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का घंटा जरूर दबाएँ, और ताकि मैं नए वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। अगर फिजिक्स आप पोर्शन, चाहे जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर फिजिक्स उस पोर्शन में है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक, अगर इसको हम जानेंगे तभी जो फिजिक्स या और जो पोर्शन होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो एकदम थ्योरी होते हैं, उसको हम समझ पाएंगे। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाया हूँ, स्पीड, एक्सीलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों को लेकर वीडियो बनाया हूँ, सर्कुलर मोशन। तो आप निश्चित रूप से उस वीडियोज़ को देखें, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए कोणीय वेग क्या होता है ना, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी, ओके। इस पहली बात, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से इसको बताया जाता है, ठीक है। ग्रीक अक्षर ओमेगा एक इस टाइप का डब्लू टाइप का होता है, अक्षर ओमेगा, जिसे इस टाइप से इसको लिखा जाता है, ठीक। अब ये होता क्या है, इससे पहले मैंने सर्कुलर मोशन बताया है, उसको डेफिनेटली देखें तभी इसको आप समझ पाएंगे। अब देखिए, जब कोई पार्टिकल या जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक। ठीक, जब वृत्तीय गति में कोई पार्टिकल, है ना, अपने जो वृत्त का जो केंद्र होता है और उसका परिधि होता है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई गतिशील कण वृत्त को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मतलब त्रिज्या, एक सेकेंड में जितना कोण तय करती है, मतलब ये जो त्रिज्या है वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, एक सेकेंड में, मतलब इकाई समय में जितना डिग्री का कोण पार करके जाती है, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग कहते हैं। मतलब स्पष्ट है कि जब त्रिज्या इकाई समय में जितना कोण तय करती है ना, जब कोई गतिशील कण है, गति कर रही है, तो उसको वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा इकाई समय में जितना कोण तय करती है, उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है और जो इस तरह से गतिशील कर रहा है, तो देखिए ओपी इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और इकाई सेकेंड में मान लेते हैं वो थीटा रेडियन पार करते हैं, मतलब ओ क्यू हो जाता है, एक सेकेंड में वो पार कर ली, कितना, थीटा रेडियन को वो पार कर लिए, ठीक। तो हम कहेंगे, मान लेते हैं टी सेकेंड में थीटा रेडियन जब पार हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि एक तरह के वेग ही है ना, क्या है, एक वेग ही है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है ना। तो इस विस्थापन बटे समय को इसी तारतम्य में लिखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन पर ये जो आ रहा है ये एक प्रकार का दर है, कोणीय वेग क्या है, एक प्रकार का दर है, समय के साथ थीटा परिवर्तन की दर है, मतलब टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है ना, वो थीटा है, रेडियन है, तो उसी थीटा अपॉन टी हो जाएगा। थीटा अपॉन टी इसलिए होगा क्योंकि ये थीटा परिवर्तन की दर है ना, जो त्रिज्या है, त्रिज्या इकाई समय में जितना कोण पार करके, कितना कोण पार की मानते हैं, टी सेकेंड में, तो थीटा रेडियन अगर पार कर लेता है वो, तो थीटा अपॉन टी हो जाएगा इसका, ठीक, विस्थापन बटे समय के अकॉर्डिंग, जैसे कि वेग का परिभाषा है, ठीक। कितना विस्थापन हुआ भाई, थीटा विस्थापन हुआ, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा विस्थापन, समझने के लिए बता रहा हूं आपको, बटे समय। तो इससे हम इसको बता सकते हैं, इस फॉर्मूला से, कि विस्थापन भाई थीटा हुआ और समय क्या है हमारे पास, टी समय में, तो जब ओमेगा हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन टी, क्योंकि हम इसको रेडियन में मापते हैं, इसलिए इसका एसआई का क्या हो जाएगा, रेडियन अपॉन, सॉरी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक। अगर अभी भी कोई तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है मैंने इसको बता दिया अच्छे से। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखें, आप समझ जाएंगे। यहाँ समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली उसको समझ जाएंगे, ठीक। ये एक फॉर्मूला होता है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, ठीक।
जो लिनियर वेलोसिटी होता है और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है और जो त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, उसमें क्या क्या दोनों में रिलेशन है, तीनों में क्या रिलेशन है, इसको हम इस फार्मूला के द्वारा व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, लिनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक, ये फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूला को आप चाहते हैं कि कैसे में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ के बताएं, ताकि मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोज बना सकूं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको याद रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लब में स्टडी जारी रखें।